आज समाज में कुछ लोग दुर्गा जी के मंदिरों में बकरियों की बलि चढ़ाते हैं और वे क्या सोचते हैं कि इससे दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु वास्तव में यह बिल्कुल गलत बात है। दुर्गा जी कभी भी पशुओं के बलि से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि दुर्गा जी का एक नाम जगदम्बा है। जगदम्बा का अर्थ होता है जो पूरे जगत की माँ है, उसको जगदम्बा कहते हैं। अब जब दुर्गा जी पूरे जगत की माँ है, मतलब वे बकरी की भी माँ है, वे मुर्गा और मुर्गी की भी माँ है, गाय की भी माँ है, वे सभी जीवों की माँ है। अब आप ही बतलाइए कि क्या इस संसार में कोई माँ जो है अपने संतान की बलि लेकर के खुश हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि दुर्गा जी पशुओं के बलि से प्रसन्न होती है। वास्तव में दुर्गा जी कभी भी पशुओं की बलि चाहती ही नहीं है। इसी कलयुग की घटना है। एक बार एक बहुत बड़े संत चतुर्भुज दास जी अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे और उस गांव में एक दुर्गा जी के मंदिर में वे ठहर गए। और उसी समय उस गांव के राजा के कुछ कर्मचारी लोग एक बालक की बलि देने के लिए दुर्गा जी के मंदिर में आए। उस समय उस बालक के माता पिता स्वजन संबंधी बहुत रो रहे थे। अब जो है जैसे ही चतुर्भुज दास जी ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय फटने लगा, वे रोने लगे, क्रोधित हो गए और दुर्गा जी के पास जाकर के बोले कि तू देवी है या राक्षसी कि तू जो है पशुओं की या मनुष्यों की बलि लेती है? अगर तुझे मनुष्यों की बलि चाहिए तो तू मुझे खा ले, लेकिन इस बालक को छोड़ दे। इतना सुनना था कि दुर्गा जी उस मूर्ति से साक्षात प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने चतुर्भुज दास जी से कहा, हे संत भगवान, मैं जो है कभी भी मनुष्यों की या पशुओं की बलि नहीं चाहती। संसार के मूर्ख लोग जो है मेरा नाम लेकर के और पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, वस्तुतः मैं कभी नहीं चाहती। इतना कह करके दुर्गा जी चतुर्भुज दास जी से वैष्णवी दीक्षा ली और उस गांव के राजा को दुर्गा माता ने बहुत दंडित किया और दुर्गा माता जी ने उस राजा को सख्त आदेश दिया कि कभी भी मेरे मंदिर में किसी भी जीव की बलि मत चढ़ाना। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि दुर्गा जी कभी भी पशुओं की या किसी भी जीव की बलि नहीं चाहती है। वास्तव में संसार के लोग जो है अपने इस छोटे से चमड़े की जीवा को तुष्ट करने के लिए ही जीवों की हत्या करते हैं, उसको बलि देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर जीव के स्वाद बस जीव हनत हैं लोग। अपने इस चमड़े की जीवा को तुष्ट करने के लिए लोग दुर्गा जी के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी पशुओं की बलि न चढ़ाए, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुर्गा जी के नाम पर या किसी के भी नाम पर निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। हमारे महाभारत में भीष्म देव जी कहते हैं, यावन्ति पशुरोमणि पशु गात्रेषु भारत तावत वर्ष सहस्त्राणि पच्यन्ते नरका नरः। महाभारत में वर्णन है, अगर कोई व्यक्ति इस चमड़े की जिह्वा को तुष्ट करने के लिए दुर्गा जी के मंदिरों में पशुओं की बलि चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को जिस पशु का वध किया है उसके शरीर में जितने भी रोंगटे हैं उतने वर्षों तक उसको कुंभी पाक नरक में जा करके अपार कष्ट सहना पड़ता है। मांस शब्द का अर्थ ही होता है, माम का अर्थ होता है मेरा, सह का अर्थ होता है वह। अर्थात आज मैं जिस पशु का मांस खा रहा हूँ नरक में जा करके वही पशु कल मेरा मांस खाएगा। मांस का अर्थ ही यही होता है। मनु स्मृति में लिखा है, मांस भक्षयिता मूत्र यस्य मांसमिहादम्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः।
मांस शब्द का अर्थ ही होता है कि आज मैं जिस पशु का मांस खा रहा हूँ कल वही पशु नोच नोच करके मेरा मांस खाएगा। जैसे सदन कसाई, आप सब लोग जानते होंगे, इसी कलिकाल की घटना है। सदन कसाई का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था और सदन कसाई जब छोटे थे तो एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आए, तो उस समय सदन कसाई के पिता ने एक बैल को मंगवाए और अपनी पत्नी को बोले कि देखो आज जो है हम इस बैल के जांघ को काट करके और अपने मेहमानों को भोजन करवाएंगे। इतना सुनना था कि सदन कसाई उस बैल के पास जाकर बैल से लिपट करके रोने लगे। उस समय उस बैल ने कहा कि सदन आप रो मत, क्योंकि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छाई हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं एक कसाई था और आपके पिता जो है पशु थे, और चूंकि पूर्व जन्म में मैंने उनकी हत्या करके उनका मांस खाया था, इसीलिए अब इस जन्म में वे मेरी हत्या करके मेरा मांस खाएंगे। यही संसार का नियम है। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि इस संसार में हम जिस पशु का मांस खाते हैं कल वही पशु जो है हमारा मांस खाएंगे। इसीलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, यह इक्षेत पुरुषोत्यंत मात्मानं निरुपद्रवम सबर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः। महाभारत में कहा गया है अगर आप जो है अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहते हैं, अपना जीवन सुखमय बिताना चाहते हैं, तो आज से ही संकल्प कर लीजिए कि हम जो है कभी भी दुर्गा जी के मंदिरों में अथवा तो कहीं भी किसी भी पशु की बलि नहीं चढ़ाएंगे और कभी भी उस पशु के मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है, दुर्गा जी जो है वे कभी भी पशुओं की बलि नहीं चाहती हैं। संसार के लोग अपने जिह्वा को तृप्त करने के लिए निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी दुर्गा जी के मंदिरों में पशु की बलि न चढ़ाए। हरे कृष्णा।